एनपीएस वत्सल मौजूदा नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस का एक एक्सटेंशन है जिसे बच्चों के लिए खास तौर पर बनाया गया है। इस योजना का रेगुलेशन पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए द्वारा किया जाता है। ये योजना बच्चों को वित्तीय तौर पर स्टेबिलिटी देने के लिए शुरू की गई है। सरकार के मुताबिक एनपीएस लोगों को उनके करियर के दौरान नियमित योगदान करके एक रिटायरमेंट फंड बनाने में मदद करता है। वैसे ही एनपीएस वत्सल भी बच्चों के लिए एक सुरक्षित भविष्य का निर्माण करता है। इस योजना में माता पिता सालाना सिर्फ 1,000 रुपए से ही अपने बच्चे के नाम पर निवेश शुरू कर सकते हैं। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए कोई मिनिमम एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसके अलावा ये योजना सभी आर्थिक पृष्ठभूमि वाले परिवार के लिए खुली है। वही अगर आपको एनपीएस वत्सल योजना की पात्रता बताएं तो इसमें निवेशक भारतीय नागरिक होना चाहिए, बच्चा 18 साल से कम उम्र का होना चाहिए और साथ ही सभी पक्षों को केवाईसी पूरी करनी होगी। मैं इसके साथ इन्वेस्टमेंट के कई विकल्प भी हैं। माता पिता पीएफआरडीए से एनरोल्ड किसी भी पेंशन फंड में निवेश कर सकते हैं। इसमें एक डिफॉल्ट चॉइस है जिसमें मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड यानी 50% इक्विटी चुन सकते हैं। इसके बाद ऑटो चॉइस यानी जिसमें 25% से लेकर 75% इक्विटी के बीच चुन सकते हैं और साथ ही आखिरी यानी एक्टिव चॉइस है जिसमें माता पिता खुद ये तय करेंगे कि उन्हें कितना फंड किस जगह लगाना है। मैं इसके साथ ही 3 साल बाद प्री मैच्योर विड्रॉल का ऑप्शन होगा। आप 25% तक विड्रॉल शिक्षा इलाज या अन्य जरूरी खर्चों के लिए कर सकते हैं। साथ ही इसके तहत सदस्य 18 साल तक 3 बार आंशिक निकासी कर सकते हैं। साथ ही अगर राशि 2,50,000 रुपए या उससे कम हो और अगर बच्चे की उम्र 18 साल हो जाती है तो वो योजना से पूरी राशि निकाल सकते हैं। अगर राशि 2,50,000 से ज्यादा है तो 20% निकाला जा सकता है और साथ ही बाकी 80% का इस्तेमाल आप एन्यूटी के रूप में कर सकते हैं, यानी आप उससे धीरे धीरे करके इनकम के रूप में पैसे ले सकते हैं। मैं इसके साथ ही असामान्य परिस्थितियों में नियम क्या होंगे, जैसे किसी की मौत हो गई या फिर कुछ अनहोनी होगी तब क्या करेंगे। तो ऐसे में यदि सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो पूरा फंड गार्जियन को लौटा दिया जाएगा। गार्जियन की मृत्यु पर एक नया गार्जियन केवाईसी के साथ जोड़ा जाएगा। यदि दोनों माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो कानूनी गार्जियन 18 साल तक बिना किसी योगदान के खाता जारी रख सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़24।